नमस्कार प्रश्नकाल को स्वागत करुच्छे शांति भूषण आज प्रश्नकाल प्रसंग रही विक्रम को आंगुली विक्रम होती जंगल परिवेश मंत्री विक्रम आरुख एवं कहीं आंगुली उठी ना सौम्य जो एसीएफ सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु मामलें जंगल और परिवेश मंत्री भूमिका को लेकिन अभियोग उठाई पर लोके सौम्य परिवार लोके एक अभियोग हो जे डीएफओ संग्राम बेहरा तांकर संपर्क होती जंगल परिवेश मंत्री एवं एक अभियोग हो डीएफओ को सुरक्षा देवाई आग को आसी जंगल और परिवेश मंत्री तो ये यही अभियोग को लेकिन आज प्रश्नकाल ये अभियोग आधार कौन द्वितीय कथा हूँ जो वर्तमान जो चाप पड़ा पर एक पुणी थे गजपति पुलिस आसी पहुंची विद्याभारती पाखे पुणी थे जेरा कर एक अभियोग हो दाबी हो क्राइम ब्रांच बा पुलिस तदंत निरपेक्ष भाव करना जेहेतु डीएफओ को एपर्त तदंत परिचालित करेणु सीबीआई तदंत दाबी हो प्रथम आप नजर पकातु ये कौन रही पर अभोग सौम्य पर गजपति किसी बुद्धिजीवी जहाँ अभियोग कर अभियोग नंबर एक हूँ विवादियों डीएफओ जंगल मंत्री दूर संपर्क ये हूँ अभियोग नंबर एक अभियोग नंबर दुई हूँ संपर्क को सुरक्षा देखते खोद मंत्री मंत्री होती जंगल परिवेश मंत्री मंत्री चापर गजपति पुलिस चेपा ये हूँ अभियोग नंबर तीन अभियोग नंबर चार हूँ क्राइम ब्रांच तदंत को प्रभावित करते जंगल मंत्री जदिव क्राइम ब्रांच को पूरा भाव में दि जाए तदंत भार कि क्राइम ब्रांच सहयोग कर गजपति पुलिस को एवं अभियोग नंबर पाँच हूँ तदंतर दिगक बदलवाक चेषा कर पूर्वतन एसपी जे पूर्वतन एसपी थे गजपतिर से तदंतर गति को बदल चेषा कर पांचटी अभियोग सौम्य पर गजपतिर किसी बुद्धिजीवी ये अभियोग कर सौम्य पर दाबी कौन आप नजर पकातु दाबी नंबर एक विद्याभारती को गिरफ्त करा ये हूँ दाबी नंबर एक दाबी नंबर दुई हूँ विद्याभारती पॉलीग्राफ टेस्ट हो सौम्य पर दाबी कर डीएफओ संग्राम बेहरा और रोसैया ये उभय को गिरफ्त करा ये हूँ दाबी नंबर तीन दाबी नंबर चार हूँ एसपी बयान जो बदलें एसपी से घटना में तदंत हो एसपी कहीं गोटे कथा कहले परवर्त समय गणमाध्यम आउ गोटे कथा कहले तार तदंत हो पांच नंबर हूँ घटनार सत उन्मोचन सीबीआई को तदंत भार दि जाऊ ये पांचटी दाबी और पांचटी अभियोग आपको नहीं आज आम आलोचना आम सहित जो मैंने जोड़ी हे से परिचय करदे आम सहित जोड़ी हे स्मृति पटनायक बीजेपी महिला मोर्चार राज्यसभा नेत्री ममता कुंडु से आम सहित सामिल होती कांग्रेस नेत्री आम सहित सामिल हे अनंत महांती वरिष्ठ सांबादिक सौम्य भाई से प्रियव्रत पंडा से आम सहित सामिल होती तो आलोचना को आरंभ करवा कि प्रथम मुझे चाहूँगी जानापी जो अभियोग हो विक्रम आरुंग भूमिका को लेकिन सौम्य भाई पाक जावाप चाहिए जे जो अभियोग पर लोके गजपतिर किसी बुद्धिजीवी करे विक्रम आरुख होे डीएफओ संग्राम बेहरा तांकर दूर संपर्क उभय गंजाम जिलार कौटी ना कौटी तार जोड़ी होती जंगल मंत्री पाखे अभियोग पहुँची पीसीसीएफ पाखे अभियोग पहुँची मुख्यमंत्री पाखे अभियोग पहुँची तथापि डीएफओ को वर्तमान सुधा तदंत परिचरभुक्त करना किंबा बदली कराए तेणु कौटी ना कौटी ये अभियोग आसूरी सौम्य भाई पाक जावाप चाहिए ये जो अभियोग वर्तमान आपको आपमी देखुं जदि डीएफओ से स्थान में रे से जगह रे बदली करना तो तदंतर गति बा तदंतर दिग दिगहरा हम नहीं तो यही सन्देह समस्त मन में उपजुची पंडा बाबू देखो प्रथम कथा तो डे वन रे कही आसीचु जेहेतु डीएफओ जे उच्च पदाधिकारी तो सीए जिते बे कार्य क्षेत्र रही जेहेतु से जो कैंपस अच्छी कैंपस मालिकाना हूँ सीए तो तल कर्मचारी मैंने मुह खोलें ना तो जेहेतु डीएफओ से रही प्रथम से दावी रखी विशेष कार्य डीएफओ को सस्पेंड कर ट्रांसफर कर जगह कोई नहांपक्त ना ट्रांसफर कर सस्पेंड कर कारण सीए से जगह रही तल कर्मचारी मैंने मुह खोलें ना जो जिन डे वन कह कारण सीए से कैंपस मालिक हि सीए तो बिना इंगित किसी भी हुए ना प्रथम दाबी किंतु एबे जो अभियोग होउची जे डीएफओ का संपर्क कौटी ना कौटी दूर संपर्क हो जंगल मंत्री जितने विभाग हो जंगल विभाग हो मुख्य मंत्री परिवेश मंत्री जंगल मंत्री डीएफओ हो अधीन जन कर्मचारी तो सही जदि ये संपर्क थे केमी तदंत निरपेक्ष पार ये प्रश्न उठू
ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ ଯେ ସେଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଘର ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଆମର ଡିଏଫଓଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଘର ମେ ବି ତାର କିଛି ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାଇ ପାରେ, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର ରହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ପଦବୀରେ ରହିଛନ୍ତି, ତ ଡେଫିନେଟଲି ସେ ତାଙ୍କୁ ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ସେଠୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ନିହାତି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଉପରେ ମୋ ଭାଇ ବି ଜଣେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ୱାନ୍ ଅଫିସର, ଯେହେତୁ ସେ ପୋଡ଼ି ହେଇକି ମରିଯାଇଛି, ତ ତାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ନିଜ ତରଫରୁ ଆସିକି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବା କଥା, ନାଇଁ ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ସରିଛି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ସରିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଏଫଓ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉଛି। ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବା କଥା ଯୋଉଟା କି ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଖୋଲିନାହାନ୍ତି। ଘଟଣାକୁ ପାଖାପାଖି 21 ଦିନ 22 ଦିନ ହେଲାଣି ପଣ୍ଡାବାବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁହଁ ଖୋଲିନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉଥରେ ଆସୁଛି, ଅନନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ, ସୀତ ମହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଛି ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ଡିଏଫଓ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ହୋଇପାରୁନି, ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଗଲାନି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ଦିଗରେ ଯାଉନାହିଁ, ଇଏ ଅଭିଯୋଗ ପରିବାର ଲୋକେ କରୁଛନ୍ତି, ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ବାବୁ? ଶାନ୍ତି ବାବୁ, ଯିଏ ଡିଏଫଓ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବେହେରା, ସିଏ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମେତ ହିଞ୍ଜିଳି ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବି ରହିଛି, ଏବଂ ଯିଏ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆରୁଖ ମହୋଦୟ, ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ତାଙ୍କରି ବିଭାଗର ଜଣେ କ୍ଲାସ ୱାନ୍ ଅଫିସରକୁ ହତ୍ୟା ବା ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଯାହା କିଛି ଘଟିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଚରିତ୍ର ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଯେଉଁଠିକି ଗୁରାଣ୍ଡି ଥାନାର ଓଆଇସି, ସିଏ ବି ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା। ଏଣୁ ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ଚରିତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ନିହାତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସମ୍ପର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୌମ୍ୟବାବୁଙ୍କୁ ଏବଂ ସୌମ୍ୟବାବୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଝିକା ମନୋଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଗଜଭେଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ପରେ ଗଜଭେଙ୍କୁ ବିଥଆଉଟ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ରଖାଗଲା, ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ଡିଏଫଓ ଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅଫିସର ବିଥଆଉଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରି କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଅଫିସ ଭିତରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଡିଏଫଓ ମହୋଦୟ ଗଜପତିରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଥିବେ, ସେଠାକାର ତଳତଳିଆ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯାହା ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଛନ୍ତି ତାହାକୁ କେବେ ବି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ବିକ୍ରମ ଆରୁଙ୍କ କଥା ଉଠୁଛି, ମାନନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥା, ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମହା ଦୁର୍ନୀତିର ଯୋଡ଼େ ଗନ୍ତାଘର, ବିଗତ ଦିନରେ ପାଠକକୁ ତିଆରି କରାଇଥିଲେ ସିଏ, ପାଠକ କେସ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣ ତର୍ଜମା କରିବେ, ସିଏ ଏତେ ବଡ଼ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କିଏ ହେଲା, ସେଇ ବିଭାଗର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ନ ଜାଣିକିରି କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି କି, ଏ କଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଏ କଥା ନିଜେ ସରକାର ତାଙ୍କରି ସରକାର ହିଁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ଆସିବା ଆମେ ପାଠକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସିବା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି କଥା, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରେ ଦୁର୍ନୀତି କଥାକୁ ଆସିବା, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଆମର ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯେ ବିକ୍ରମଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠୁଛି, ଏଇଥିପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଡିଏଫଓକୁ। ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମ ସହିତ ସ୍ମୃତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ମୃତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ପାଖାପାଖି 22 ଦିନ ହୋଇଗଲା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସର ତଦନ୍ତର ଗତିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଆକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯଦି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କହୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ସେଇ ଘର, ତାହେଲେ ଯିଏ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଥିଲେ ସେଠି, ତ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ କାହିଁକି ପୋଲିସ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇକି ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରିନି, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ସନ୍ଦେହ ଏଇଥିପାଇଁ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ଯେ ଡିଏଫଓଙ୍କର ତାର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ, ସେଇଥିପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ଦିଗରେ ଯାଉନି, ଏ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସ୍ମୃତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଦେଖନ୍ତୁ, ଘଟଣା ଘଟିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ଆକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ଯେଉଁଦିନ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିବା, ମେଡ଼ିକାଲରୁ ସେଠୁ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର କଟକକୁ ଆଣିବା, ଇଏ କଟକକୁ ପୁଣି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍କୁ ଆଣିବା, ଏବଂ ଆଣିବା ବାଟରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା, ଇଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ନୋଟ୍ କରିକିନା ନେବା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଠି ଡିଓଫଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ଏ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଏବଂ ଡିଓଫଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜଣେ କରିଦେଲେ ପୋଲିସର ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଏସ୍ପି ମହାଶୟ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆଗରୁ କୌଣସି ତର୍ଜମା କରିବା ଆଗରୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ନିଜର ବୟାନରେ
कहिले जे डीएफओंकर आदिरे संपृक्ति नै एटी प्रश्न आसुची जे एसपी कहा दम रे को आधार रे कहा को बेस करी किना ए कथाटा को कहिले जेतेबेले इन्वेस्टिगेशन हैनी जणकर इंट्रोगेशन पार्ट आरंभ हैनी सेतेबेले एसपी एते सुंदर सफाई देबार कोटु चारा पाइले ये प्रश्न आम समस्त मन में जो आसूला आज सफेई पछर रहस्य कौन पारे सफेई पछर रहस्य आज जो आपण विषय वस्तु आज जो समस्त मुहरे चर्चा होची सफेई पछर रहस्य होची खोद विजु जनता दल जंगल विभाग मंत्री विक्रम मारुकर प्रच्छद पटरे निजर हाथ एकदम संपूर्ण भाव डीएफओ मुंड रही हेतु आज एसपी साहस करुचंद ये काम करबा को आज एसपी कहा दम ने सेठी ये लीला चलेबा को चिंता करुचंद आज ओआईसी कथा एठी पंडा बाबू कहुतिले कहा दम ने ओआईसी एठी ए लीला करबा पई साहस करुचंद आज आपण जो कथा कहुचंद रिक्रिएशन पई का एपन त निया गला ने काई के एपन त निया जाई ने गुरुत्वपूर्ण कथा सेया जे काहे की वर्तमान सुधा विद्या भारती को से जगह को निया जाई ने वर्तमान पंद काई विद्या भारती ममता मैडम को पाखु आसीबी ये मुख्य प्रसंग म आसु जे आपण पाखु स्मृति मैडम आउथर आसीबी आपण पाखु ममता मैडम आपण कोंतु ए जो दुई तीनटी संदेह उपजुची डीएफओ को उपरे एवं कोठीना कोठी मंत्री विक्रम आरुक संपर्क कथा एबे आसिलानी जेतु परिवार लोके अभिजोग करचोंदी तो जंगल विभाग को निश्चित भाव में सौम्य बापा लिखित भाव देते जो डीओफ को बदली करा ना तदंत निरपेक्ष हो पारे कि 22 दिन हो गला से कथा है ना तो एथेरे तदंत निरपेक्ष हो कि आपंकर विश्वास हो ममता मैडम देखु प्रथम तो जो क्राइम हुए क्राइम कौन हो आज्ञा शुणा तो आज्ञा आज्ञा कहतु कहतु मु प्रथम तो यह कह चाहिए क्राइम जेतेबेले हुए गोटे क्राइम हेबार कारण जानिया को पड़िबो आउ जेतेबेले क्राइम हेला परे इन्वेस्टिगेशन काही कि हुए इन्वेस्टिगेशन सेतिपाय हुए ताकि परवर्ती समय रे एई भलिया पुनश्च जदि केही माने कृत माने कुकर्म करिया को चाहिबो तार हृदयटा एंती कांपी उठिबो किंतु आमर जो इन्वेस्टिगेशन प्रणाली अछि आमर जो जस्टिस सिस्टम अछि सेटा कोटि ना कोटि बहुत शिथल सेथिपाई एई भलिया क्राइम बारंबार 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 हो जाउछि इंटरोगेशन जदि कथा कहिबे ताले त मु सब आगे कहिबी तांकर वाइफ जे अछंती विद्या भारती जेतले तांकू जणे मेन एक्यूज बोली एबे पर्यंत माना जाइछि किंतु तांकू जे गुटे इंटरोगेशन होउछि गुटे कस्टोडियल इंटरोगेशन हबा कथा आज्ञा तांको संगे जो इंट्रोगेशन टा हेची इन्वेस्टिगेशन टा हेची दैट इज वेरी सेटा बहुत फ्रेंडली इन्वेस्टिगेशन बापा मां को पाखरे रही कि तांको पचार जीव सेटा गुटे इंट्रोगेशन हुए नाही जदि गुटे सत्य को अपन प्रतिपादन करिया को चाहू चंती तले इन्वेस्टिगेशन रो जो इंट्रोगेशन वे सेटा करिया दरकार तापर जदि एई जो हमरो सौम्य रंजन को पिता जदि कहि चंती कि तांको गुटे पॉलीग्राफ टेस्ट हो जोटा कि लाई डिटेक्शन टेस्ट कहंती एको कले असुविधा कोन अछि जहां जहां इन्वेस्टिगेशन को सुविधा पहुंचेबो सब करिया दरकार ता संगे रे जदि डीएफओ रहिले इन्वेस्टिगेशन ता भलो हबे हे परु नाही ताले कोन असुविधा अछि कि हमें डीएफओ को तांको पोस्टिंग कर देबा कोलो अलगा जगह को ट्रांसफर कर दिया जंगल विभाग मंत्री काहे कि मो खोलनाति ममता मैडम ए पर्यंत 22 दिन हे गेलानी जंगल विभाग रे मंत्री जे विक्रम मारुक से काहे मो खोलनाति आउ गोटे जिंस निश्चित निश्चित मुसेया कोची मिस्टर विक्रम मारुफ जे चुप रही चंती या मध्य गोटे बहुत बड़ इंगित करुची कोठी ना कोठी गोटे रही जाउची जोटा को से माने घंट घड़े पे चेष्टा करछो निश्चित रे आमे आसीबा से प्रसंग को आसीबा जे काहे की जंगल परिवेश मंत्री मुह बंद कर रही चंती जदी तांकर किछ संपृक्ति नाही जदी जंगल विभाग रे ए घटना घटीची एवं डीओफों को से सुरक्षा दौनाहांती तार से काई मो खोलनाती एबे समय होईची प्रश्न काल रे एक ब्रेक रो ब्रेक परे आमे पुनी आलोचना करबा एवं आउ किछि तदंतर दिग को नै कि आलोचना करबा जो कथा कहा जाउची जे काहिं कि 22 दिन हे गला जे विद्या भारती को से जागा को निया जाय नै कहार चाप पडुची से नै मध्य आलोकपात करबा समय होईची एक ब्रेक रो ब्रेक पर स्वागत एविडेंस आक्ट कौन कहुची जे क्राइम जो जगार घटला से जगार क्राइम घटी बोली जदि तदंत
संस्था कहिला तदंतकारी अधिकारी जदि कहिले ताहले सीन रिक्रिएट करा जिबा कथा ये होची एविडेंस एक्ट रो 106 क्लॉज रे एकथा रहिची किंतु ए केस रे जदि आपण देखिबे सौम्यरंजन महापात्र को मृत्यु केस रे वर्तमान सुधा विद्या भारती को से स्थान को निया जाय नै मु जानिया पई चाहूची प्रियव्रत पंडा अछन्ते सौम्य को भाई सुत पंडा ए जो आईन जहाँ रही तदंतर दिगक नहीं एटी जो प्रश्न उठू एविडेन्स आक्ट कहूँ जे सीन रिक्रिएट हवा स्थान जदि तदंतकारी अफिसर कहले जगार घटना घटी तेल सीन रिक्रिएट करने कथा किंतु वर्तमान सुधा यह करा ये क्या चापर तदंत करना एवं द्वितीय दफार गजपति पुलिस जो पुणी आसी जेरा कर विद्या भारती आपमी देखुं देखो एविडेंस एक्ट रे जो अच्छी धारा से अनुसार सीन रिक्रिएट कर अखंड क्षमता अच्छी से क्षमता केवल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जी अच्छा आयो पाखे अच्छी सी जदि चाहिए से सीन रिक्रिएट करें तो मे भी पुलिस उपरे कोठी ना कोठी बहुत बड़ चाप रही जोटा कि पुलिस को फ्री हैंड दिया जाऊनी सीन रिक्रिएट होनी कि पॉलीग्राफ टेस्ट होनी कि विद्या भारती को रिमांड रे नहीं पुलिस पचारू ना तो आसिक जो घरे जो पचारे सेकंड राउंड रे जो जेरा चली तो जेरा आम कही पारे परिवार वर्ग सामने रे जस्ट पचरा मैंने काजुअल इंट्रोडक्शन टाइप कथबार्ता जमीका तो सेमती तो घर कौटी ना कौन एम सब काजुअल डिस्कशन तो जेरा कहनी कारण पुलिस जो रिमांड रे नई मेन अक्यूज को जेरा केमी कह घटना चली तो बहुत कुछ गोटे बहुत चापरे पुलिस काम करुच्छी पूरा जना पड़ी स्पष्टीकरण भाव जना पड़ी आप सन्देह कौन चाप कार पड़ी पुलिस चाप कहार पड़ी से तो आम बर्तमान सुधा कनफर्म ना कि आम डेफिनेटली पुलिस चाप पड़ी कारण जिते स्लो मोशन ले पुलिस जो काम करते धीमा गति से पुलिस जो काम करें सेकेंड राउंड पहुंचे इन्वेस्टिगेशन करने बट एपर्त पुलिस विद्या भारती पंडा को रिमांड रे नहीं तो मे भी बहुत किसी बड़ बड़ लोकर चाप रही पाए निश्चित भाव से बड़ बड़ लोक नहीं कि आम आलोचना करुचे से बड़ लोक किए जदि से विक्रम आरक नुहति तो से एक उठू अनंत बाबू ये जो परिवार लोक संदेह कर सौम्य भाई जहाँ कहले पुलिस चाप एक समस्त अनुभव करते चाप किए क्रिएट करे चाप दौर जहाँ आईन में अच्छी एविडेन्स आक्ट जहाँ अच्छी से कथा करना द्वितीय दफार विद्या भारती घर को पुलिस जाती दफार विद्या भारती पुलिस आरेस्ट कर किसी तदंतर गति को लेकिन आप विश्वास अच्छी जे घटना कौन सत कौन तापुर पुलिस पर्दा हटे पार जो विश्वास कथा आप पचारे दिन में घटी ओडिशार अनेक हत्या मामलार रहस्य ओडिशा पुलिस खोली पारी ना आज सुधा मध्य से रहस्य गुड़िक रहस्यावृत हो रही पारी जो पुलिस अंजना केस रे 21 वर्ष पर साइलेंट भाइपर नाम रे जन को बाहर कर पारे से ऑफिसर माने ओडिशा रे थाउ थाउ से जदि नियोजित करी एबे सद्य सब घटी महापात्र केस को जदि सरकार बाहर करने आणुना ओडिशा पुलिस आणुना ताहले आपण पूर्व केस एवं एई केस भितर बारंबार जो तुलना करेंगे एथर संपूर्ण रूपे गोटे कथ रही खाली मोर नुहजे समग्र ओडिशावासी कथा जो सामाजिक गणमाध्यम कलना करेंगे ये गोटे स्पष्ट होती लोक आशा रखि ना सौम्य बाबू पर ओडिशा सरकार पुलिस तरफ न्याय मिल आउ गोटे कथ जो आप कहे देखो सहकारी वन संरक्षक थे श्रीजुक्त महापात्र किंतु जोटी की डीएफओ सी हेल्ले जंगल मंत्री गेल्ला पु ओडिशा रे 30 गोटी डीएफओ थे 30 जिले में जो डीएफओ माने कि पीसीसीएफ माध्यम रे मंत्री निकट को सरकार पाउणा पहुँचाऊ 500 कोटी टंका जो आसूची विभिन्न विभाग रे आ जो विभाग की सब अधिक दुर्नीतिग्रस्त और अधिक पैसा से विभाग है जंगल लोक जना पड़े ना पंचायत विभाग बोली भावुंत कि वन विभाग से ही कथार मंत्री निकट को जी कि सौम्य स्वर्गत सौम्य बाबू पैसा दे था पहुँचे था ना निजे डीएफओ दे पहुँचाऊ एणु जेहेतु डीएफओ एवं पीसीसीएफ माध्यम मंत्री पाख पीसी कारबार व्यवस्था थी से निश्चित भाव डीएफओ को घंट घोड़ेबापी मंत्री विभिन्न कथा पुलिस उपरे सरकार जो कथा कहते आकाश पाठक उदाहरण दौले जंगल विभाग रे एमती केते आकाश पाठक अच्छा तार हिसाब ना कारण गोटे उदाहरण गोटे सामना को आसला आहरी अनेक आकाश पाठक अच्छा जो पीसी कारबार कथा कहते स्मृति मैडम आप जानापी चाहिए ये कथा कहते ये अस्वीकार करना जंगल विभाग जो कोटि कोटि टंका से कांपा फंड हो कि अन्य जो चारा रोपण रे से दुर्नीतिर अभियोग आसुची तो ये जो लिंकटा जोड़ुछंती अनंत बाबू जे पीसीसीएफ का माध्यम रे डीएफओ माने पाउणा पठांती सरकार जंगल मंत्री पाखु से
जे सुरक्षा दौंस डीएफओ को मंत्री ये कथा के सत्यता देखुं देखु क्यांपा फंड रैसा सबुठ जदि आप देखिए ए बर्षर सबुठ अधिका कौथे मैनिपुलेशन होती क्यांपा फंड सबुठ अधिका हो डिपार्टमेंट भी आरुक बाबूंर एवं ये जो कथा महंती बाबू कहते महंती बाबू एकदम ठीक कथा कहते पीसी रे ही ये सरकार चली पीसी रे ही ये सरकार टिकिकिना ही रही पीसी जी अधिका पीसी देला सी मंत्री गेल्हा पुह है जी ठीक समय रे पीसी पहुँचेला सी मंत्री गेल्हा पुह है तार उदाहरण हूँ देखते आप गोटे कथ मन पक चाहिए इंट्रोगेशन केबे कहार घरे जाईकिना हुए नी इंट्रोगेशन सब बेले पुलिस स्टेशन रे हुए इंट्रोगेशन आपण पुलिस स्पॉट रे करा जाए किंतु एठी इंट्रोगेशन कोटी डीएफओ को कराई छी आज काही के डीएफओ को एते समवेदना देखा जाउ छी पुलिस रा तरा पुलिस एवं जंगल विभाग ये दुई जना जक मंत्री को शरण रे रहितबा हेतु बिजु जनता दल ला मंत्री होइतबा हेतु तांकू घंट घोडे की रखिवा पई विक्रम मारुक चेष्टा करूचन निश्चित भाबरे समय सरी आसुच्छे मुझे समय थी आउ थे फेरबी ममता मैडम ये जो गेल्हा पुह कथा कहते स्मृति मैडम जो गेल्हा पुह को सुरक्षा दूसरी विभाग मुख्य मंत्री ये कथा को आप विश्वास होमती होती आज्ञा देखो जिते पुरा केस देखिए परी केस कहतु कि प्रदीप महारथी फार्म हाउस केस कहतु कि कुंदली केस कथा कहतु से गुड़ा सबूत जदि गोटे फेयर इन्वेस्टिगेशन होता ताल तार जो आज क्राइम जो क्राइम जी कर क्रिमिनाल एपर्तंतु पनीश हो सकता किंतु कौन से पनीशमेंट होना कारण कौटिना कौटी गोटे घंट घड़ापाई गोटे सपोर्ट करने बड़ बड़ पदवीर लोक मैंने बस आई गेल्हा पुह हीटा को गेल्हा पुह ही कहा जाए तो गेल्हा पुअर कौन कौन कारण से गेल्हा पुह एटा मत जना अच्छी दुर्नीति उपरे दुर्नीति चली 22 वर्ष गोटे बहुत लंबा पीरियड ये समय जदि गोटे गोटे सरकार थाए आदि से प्रदेश उन्नति करने को चाहते ताले से बहु उन्नति कर पाते क्राइम कमे सारी था किंतु क्राइम बढ़ी बढ़ी चलती आउ जमती कि एटा तो माने एटा तो गोटे मर्डर केस चलती कि महिला मान पाखे जो जो अत्याचार होची अन्याय होची जहाँ भी होची रेप मोलेस्टेशन जहाँ भी कहे से सेकेंड रही जो क्राइम बढ़ी चली कारण ये गेल्हा पुह मानों पर गोटे संक्षेप उत्तर चाहूँगी जदि सौम्य रंजन जगार जदि ये केसटी जो महिला होता विद्या भारती क्षेत्र में होता तेल जी अभियुक्त से कौन एपर्तंत बुलू था ममता मैडम देखु महिला केस हो कि जो केस हो समस्त को लेकिन राजनीति करती केवल फायदा टाक देखती जदि महिला केस होता तो मैंने महिला मोर्चा टे नाचता कूदता किंतु आज पर्यंत परी केस कौन होते गुड़ा रेप केस कौन स्मृति मैडम कौन कौन रेप एंड मर्डर आज्ञा गोटे हिनियस क्राइम महिला आपको शांति बाबू आपको लगुच कि ओडिशा रे महिला सुरक्षित अच्छा बोली आमको तो लगुनी आम महिला विभाग रु आसुच महिला हिसाब से छाड़ू आम राजनैतिक दल किंतु आम प्रथम सर्वप्रथम महिला आम के सुरक्षित ये प्रश्न आम मन में आसूँ आज 10 वर्ष भितर आम जदि देखू जिते रिपोर्ट ओडिशा सरकार क्राइम ब्रांच को देची कौन सी गोटे रिपोर्ट तथ्य आज पर्यंत आसला कि आम पिपिली नहीं कुंदुली पर्यंत आज परीर घटना पर्यंत आम जब ना ये सब महिला घटना आज महिला मैंने कौटी न्याय पाई हाराहारी 60% आज केस निर्णायक भूमिका रे पहुंची पानी फाइनल डिसीजन आज जाए दे पानी निश्चित आपनकर जो अभियोग जे संदेह जे महिला को तो न्याय मिलुनी एठी किंतु आमे आलोचना करचे सौम्य रंजन को कथा एठी मध्ये सौम्य रंजन को परिवार को न्याय मिलुनी सौम्य रंजन को परिवार वर्तमान ए तदंत ऊपर विश्वास हरैछंती से माने हाईकोर्ट जुवा पे प्रस्तुत होउछंती ता सहित सीबीआई तदंत दाबी करछंती समय सरी आछ किंतु समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित जो माने थिले सुत पंडा बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति मैडम एवं अनंत महांती ममता कुंडु समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद किंतु आलोचना को सारिबा पूर्व एति कथा कुआ जाय पारे जो अभियोग सम्यक परिवार करुछंती ताहा सत होइतिले सांघातिक सबुठ बड़ अभियोग होउची जे जदि मंत्री विक्रम आरुक सुरक्षा दौंस गेल्हा पुह डीएफओ को ये हूँ सबुठ बड़ सांघातिक अभियोग यह सत होइतिले मध्ये सांघातिक ये अभियोग सम्यक परिवार करुछंती जेहेतु वर्तमान सुधा तांक उपरे कोनोसी एक्शन निया जाय नाही एवं तांकु बदली करा जाय नाही तेणु सेइतिपई संदेह उपजुची तदंत ठीक दिगरे जाऊँ ना नहीं आउ द्वितीय कथा हूँ
ଯେ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତର ଗତିକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ଲେଉଟାଇବେ ତାହେଲେ 2007 ରୁ 2019 ଭିତରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେତିକି ତଦନ୍ତ କରିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାମଲା ସେ କୁନ୍ଦୁଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିପିଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ 345 କେସ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 168 କେସ୍ରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହୋଇପାରିଛି ଅର୍ଥାତ 177 କେସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହୋଇପାରିନି ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ତ ଏଇଠୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିହେବ ଯେ ତଦନ୍ତର ଗତି ଅତୀତରେ ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ଏଇ ସୌମ୍ୟ ମାଟରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତର ଗତି ବା ଦିଗକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ସମୟ ସରିଛି ପ୍ରଶ୍ନକାଳକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ନମସ୍କାର।